हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से गोल दामन की कुर्ती को स्टिच करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप होगा गाइस। कटिंग मैंने पहले ही बताई, आप सभी ने देखी है। आज मैं स्टिचिंग बताने वाली हूँ, वो भी गोल दामन की कुर्ती की, छोटे बच्चों की, 3 से 4 साल बच्चों की कुर्ती की मैं बनाने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये देखिए, मैंने पहले ही कुर्ती कट कर ली है, जैसे कि आप सभी ने हमारी वीडियो में देखा होगा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले नेक कट करके दिखा रही हूँ कि छोटे बच्चों की कितने नेक की लेना चाहिए। 4 इंच की हमें आगे की लंबाई लेनी होगी, पीछे की 1 इंच की लंबाई लेनी होगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से निशान लगाना होगा। और अब हम इसको गोल का शेप दे देंगे। आप जिस भी एंगल में बनाना चाहते हो उस एंगल में शेप दे सकते हो गले का, फिर उसके बाद आप कट कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कौन से स्टेप में कट कर रही हूँ। दोनों एक साथ रखना है। एक साथ रखने के बाद पहले छोटा वाला गला कट करना है, यानी कि पीछे का गला हम कट कर लेंगे। फिर देन क्या करना है कि एक पार्ट निकाल देंगे। बहुत ही फास्ट काम होगा गाइज, अगर आप इस तरीके से अपनी कुर्ती बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर आपको ये पसंद आती है तो। अब ये देखिए, फ्रंट का यहाँ पर मैं नेक कट करने वाली हूँ। ये हमने फ्रंट का नेक कट कर लिया है। अब मैं इस पे एक फैब्रिक लगा करके, अलग से आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होंगे, अगर आप कंट्रास्ट इसमें यूज़ करना चाहते हो तो कंट्रास्ट फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको सेम फैब्रिक यूज़ करना है तो यहाँ पर आप सेम फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेम फैब्रिक ले रही हूँ और इसी के ऊपर रख कर कट कर ले रही हूँ। और गाइज, जैसे कि आप सभी सोचते होंगे कि बुकरम के बिना हम गले नहीं बना सकते हैं, अगर बनाते भी हैं तो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बिना बुकरम के मैं यहाँ पर गला बनाती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ किस तरीके से उसकी फिनिशिंग आती है और दिखने में भी लुक उसका अच्छा लगता है। ये देखिए, मैं यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक लगा करके, अब 1-1 इंच का गैप दे करके मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करके हटा देना है हमें कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने हटा दिया है। अब जो अंदर वाला पार्ट था उसको भी कट कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही गले को कट कर लिया है, तो हमें अंदर वाला गला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले की उसको भी कट करके हटा देना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया। अब फिनिशिंग देने के लिए हमें छोटा 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 मार्क करना होगा, तो यहाँ पर हमने छोटा छोटा मार्क कर लिया है ताकि हमारा फोल्ड करने पर कोई भी चुन्नट वगैरह ना है, इस वजह से हम इसको कट लगाते हैं फिनिशिंग देने के लिए। अब हमारा बैक पार्ट हम बनाने वाले हैं। तो गाइज, ये छोटी बच्ची का बैक पार्ट है, तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से बैक में हुक वाली डिज़ाइन देने वाली हूँ और बिना बुकरम, बिना किसी मार्क के आप इस तरीके से अपने अंदाज से भी इसको आसानी से हुक वाला बैक पार्ट बना सकते हो नेक का। तो यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने नेक की डिज़ाइन बनाई है और अब इसको कट कर लेना है। पहले गोल का शेप जो है उसको कट कर लेंगे। अब जो हमने बीच का पार्ट बनाया है हुक वाला, वो भी कट करना है और जो ऊपर का हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें भी 1-1 इंच का शेप देना है। 1-1 इंच का शेप देके ये देखिए मार्क करना है। फिर जो हमने सिलाई की थी बीच वाली हुक वाली, उस वहाँ पर हमें ट्रायंगल का शेप दे देना है इस तरीके से। एक तो ये जो मेरा चौक है वो पता नहीं कैसा चौक है कि वो चलता ही नहीं है, कितना भी उसको चलाते रहो कि मार्क लग जाए, बट वो लगता ही नहीं है। मैं आपको अपनी सारी आज की जो वीडियो बना रही हूँ उसमें दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इस चौक का यूज़ किया है, फिर भी वो नहीं चलता। अब भी वो नहीं चलेगा, अभी आप देख लेना। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। अब इसको दोनों गले को, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, दोनों पार्ट इक्वली करके इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है और शोल्डर दोनों को अटैच कर देना है। हमारा शोल्डर ज्वाइन हो जाएगा दोनों साइड का, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बिना साइज के हम किस तरीके से इस कुर्ती में साइड का पार्ट में निशान लगाने वाले हैं, फिटिंग वाला पार्ट, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी।
तो यहाँ पर मैं कोई भी साइज़ या इंची टेप का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस एक अंदाज से कि आप जो गर्ल्स या फिर जो वुमेन घर पे होती हैं उनको अंदाज या इंची टेप का नाप नहीं समझ में आता है, तो वो सिर्फ एक अंदाज का यूज़ करें तो वो भी बना सकती हैं इस तरीके से फिनिशिंग से फैब्रिक। बट जो यूज़ कर सकती हैं, जो मेज़रमेंट कर सकती हैं, वो अपने ही साइज़ से ही यूज़ करें। ये देखिए हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। अब जो मैं यहाँ पर बैक का पार्ट में नेक में मैंने जो डिज़ाइन दी थी उसमें जो फैब्रिक था उसको भी कट करना था। अब मैं गले को फोल्ड कर रही हूँ, जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। यहाँ पर मैं तुरपाई के लिए नहीं छोड़ रही हूँ, डायरेक्ट डबल फोल्ड करके हम गले की भी सिलाई कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए। तो गाइस अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दीपा क्रिएशन के नाम से फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज गाइस मैं यहाँ पर भी दे दूंगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो दीपा क्रिएशन सर्च करके। और आपको और भी तरीके की अगर वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ये भी बताइएगा और ख़राब लगे तो ये भी बता दीजिएगा, कोई माइंड करने वाली बात नहीं है क्योंकि सभी बताते हैं। और पसंद आता तो लाइक भी कर दीजिएगा और थोड़ा ज़्यादा पसंद आ जाए तो शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से अपने गले की डिज़ाइन को स्टिच करते जा रही हूँ, जैसे मैंने डिज़ाइन दिया है उस तरीके से डिज़ाइन करना होगा और बस सीधा 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 सिलाई करते हुए चले जाना होगा। अब सीधे ही मत चले जाना, जहाँ पाओ वहाँ पे आप सिलते हुए चले जाओ, आपको सिलना वहीं है जहाँ पे आपने कटिंग की है, वहीं पे आपको सिलाई भी करना होगा। आज आप सभी सोच रहे हो कि क्या ये फालतू का बकवास किया जा रही, बस बैठी थी ऐसे ही, मैंने सोचा कि थोड़ा कटिंग और स्टिचिंग के साथ बातें भी कर लिया जाए इसलिए मैं कर रही थी। अब देखिए हमारा जो नेक है वो बनकर रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके से होगा। अब हमें साइड का शेप देना है, तो साइड का शेप देने से पहले मैं आपको दिखा दूँ ये हमारा गला बिना बुकरम के साथ और बिना मेज़रमेंट किए बन गया है। अपने अंदाज से मैंने निशान लगाया है और वो जो चौक चल नहीं रहा था उससे निशान लगाया। ये देखिए मैं इसको बस चला रही हूँ, कपड़े पे घिस रही हूँ, बट ये चौक है चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट फिर भी मैंने इसका यूज़ किया है, अब सोचा अब ये आ ही गया है तो इसको ख़त्म ही कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गोल का शेप जो दे रहे हैं वो इस तरीके से देंगे, आपकी गोल कुर्ती बहुत फिनिशिंग के साथ आएगी। ये देखिए हमने एक साइड का दोनों लगा लिया है, अब हम इसको स्टिच करने वाले हैं। तो स्टिच करने के लिए गाइस सबसे पहले जो साइड स्लिट होती है तो ये देखिए सबसे पहले हम जो साइड का पार्ट है फिटिंग वाला उसको स्टिच कर लेंगे दोनों साइड में। अब यहाँ पर हम फटाफट दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे क्योंकि छोटा सा तो टॉप है, कुर्ती है, तो इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला। बट गाइस एक बात बोलूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि कल मैंने वीडियोस डाली और देखा कि खैर कोई नहीं। ये देखिए मैं आर्म होल जो होता है शोल्डर के नीचे, बोल सकते हैं मुड्ढे के पास से मैंने कट कर लिया है, जो भी अगर फिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो तो वहाँ से कट करना है। और दामन पे जो गोल का साइड होगा उसे भी ध्यान देना है, जितने इंच का हमें शोल्डर रखना है, हम जितने इंच का शोल्डर पहनते हैं उतना साइज रख के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए गोल वाला भी हमें ध्यान देना है क्योंकि इसको नहीं कट करेंगे तो हमारी गोल सी कुर्ती नहीं आने वाली। अब ये हमारा साइड भी फिटिंग हो चुकी है, अब हमें जो साइड स्लिट्स लेना है गाइज
उस सबसे पहले हम जो गोल से स्टार्ट होता है वहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले साइड स्लिट से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम साइड स्लिट से स्टार्ट नहीं करेंगे जो गोल का दामन है हमारा वो बिल्कुल अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए हम साइड स्लिट से स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ से क्रॉस करेंगे, दूसरे स्लिट में आएंगे और दूसरे स्लिट में आने के बाद बस राउंड 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 पूरा सिल देंगे। अरे यार अब जल्दी सिल जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये देखिए अब ये हमारा दोनों साइड का गोल सदामन सिल के बस कंप्लीट होने ही वाला है। तो थोड़ी सी वीडियो और देखनी है आपको, और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिएगा, क्योंकि मैं आपके मैसेज का वेट करती हूँ ताकि आप मैसेज करो और मैं देखूँ आपको मेरी वीडियोस में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो ये देखिए हमारा अब ये रेडी होने वाला है। तो अब फाइनली हमारी जो गोल दामन जो था नीचे का वो फाइनली बन चुका है। ये देखिए लास्ट और बिना बुकरम का यूज़ किए हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी गोल सी दामन सी छोटू सी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। आप 2 से 2.5-3 साल के बच्चों को ये कुर्ती वेयर करवा सकते हो। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप समर का सीज़न आ रहा है आप ऐसे भी अपने बच्चों को पहना सकते हो। तो गाइस हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट होने के बाद आप जितने लोग भी देखे हो बहुत ज़्यादा सबका थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस प्लीज़।